अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख ज़ैनबी, केजीबी विद्यालय गोतावरम, चिलकलोरपेटा, गुंटूर जिला से। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत खुश होंगे ना। आज हम पिछला सबक गज़ल के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं ना, उसी तरह उस गज़ल में ज़बान शनाशी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम पिछले सबक गज़ल में गज़ल के इबारत पढ़ के सब सवालों के जवाब दे चुके हैं, मकसद पढ़े हैं यानी मतवा माफूस पढ़ चुके हैं, गज़ल को तरन्नम के साथ पढ़ चुके हैं, उसके बाद गज़ल की तशरीह कर चुके हैं, शायर का तारुफ और सनद की तारुफ पे मालूमात हासिल कर चुके हैं, लफ्ज़-ओ-बैत भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब हम पिछला सबक के तौर पर ज़बान शनाशी को मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, अब हम गज़ल के सबक के ज़बान शनाशी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एक में, रोमन नंबर एक में, आपने गज़ल के दूसरे शेर में वो अल्फाज पढ़िए, ये अंधेरे के तस्वीरें कब तक दोस्तों रोशनी की बात करो। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गजल के दूसरे शेर को हम पढ़ना है, उसमें चंद अल्फाज को खत-कशीदा करके लिखना है। पहला दूसरा शेर को पढ़ेंगे, ये अंधेरे के तस्वीरें कांपते दोस्तों रोशनी की बात करो। इसमें खत-कशीदा किया गया लफ्ज अंधेरा है और रोशनी है, अंधेरे का जिद रोशनी है। चौथा शेर, बात जब है के दुश्मनों से भी करो, जब करो दोस्ती की बात करो। तो बच्चों, इस शेर में यानी दो मिसरों वाले लाइन को शेर कहते हैं। इस शेर में हम खत-कशीदे किया गया लफ्ज दुश्मनों और दोस्ती है, यानी दुश्मन की जिद दोस्त है। पांचवा शेर, फूल मुरझाएंगे तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। तो बच्चों, इस पांचवा शेर में फूल मुरझा गए तो गम क्या है, फिक्र करने की बात कोई नहीं, फूल खिलने की वजह से हम खिलने वाली यानी आने वाली कली आने वाली खुशी के बात करना चाहिए। मुरझाना खिलना, मुरझाना का मानी फूल मुरझा के गिर जाना, खिलने के बाद गिर जाना दूसरे दिन, और खिलने वाली कली मुरझाना के खिलना, मुरझाने का जिद खिलना है। इसी तरह अंधेरे का जिद रोशनी, दुश्मन का जिद दोस्त, मुरझाने का जिद खिलना, ये एक दूसरे के जिद है। इस तरह शेर में, एक शेर में दो जिद, दो लफ्ज एक दूसरे के जिद पाए जाते हैं, तो उसको मुतजाद अल्फाज कहते हैं। ऊपर की जोड़ी एक दूसरे की जिद है, यानी ऊपर के देने वाले लफ्जों को एक दूसरे के जिद है, यानी अपोजिट वर्ड्स है। जब एक मुरक्कब लफ्ज में दो अल्फाज एक दूसरे की जिद हो तो मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं, यानी एक शेर में एक दूसरे के दो लफ्ज जिद यानी अपोजिट वर्ड्स को तो उसको मुतजाद अल्फाज कहते हैं। जब एक मुरक्कब लफ्ज में दो अल्फाज एक दूसरे की जिद हो तो मुतजाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड कहलाते हैं। तो बच्चों, हम रोमन नंबर दो में अल्फाज की मुतजाद जोड़ी बनाएंगे, यानी मुतजाद अपोजिट वर्ड्स हम बनाकर पढ़ेंगे। बच्चे बूढ़े, बच्चे की जिद बूढ़े यानी अपोजिट वर्ड। रात, रात का अपोजिट वर्ड दिन। कमी बेशी, कम होना ज्यादा होना। काला गोरा, सफेद सिया यानी उजला काला। हार जीत, हार जाना जीतना। रोमन नंबर तीन, मुतजाद अल्फाज की दस जोड़िया लिखिए, ये दस जोड़िया लिखिए मुतजाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स। कदीम जदीद, कदीम का जिद जदीद यानी पुराना नया। जमीन आसमान, जमीन का जिद आसमान है। गलत सही, गलत का यानी गलती करना
सही करना, सीधा करना। आज कल, आज का सिद्ध कल। साफ गंदा, साफ रहना गंदा हो जाना। शरीफ शरीर, शरीफ कहे तो नेक इंसान, शरीर कहे तो पेचीदा इंसान। सुबह शाम, सुबह होना शाम होना। सच्चा झूठा, सच्चा बोलना सच्चा ही, झूठ बोलने को झूठा कहते हैं। सच्चा का जिक्र झूठा है। अच्छा बुरा, अच्छी तरह से रहना अच्छा, बुरे तरह से रहना बुरा। शुरू आखिर, शुरू होने की जिद आखिर। आदिल जालिम, नेक इंसान को यानी इंसाफ वाले को आदिल कहते हैं, जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। हक ना हक, हक रास्ते पर चलने वाले, हक हक की जिद ना हक। तो बच्चों इस तरह हम पूरे सबक में मुतजाद अल्फाज और उनके मिसाल के तौर पर सब पढ़ चुके हैं। अब हम इस गजल के सबक के तरीके से घर का काम यानी होमवर्क को तौर पर मैं चंद सवाल दे रही हूँ। आप इस सवाल को अपनी नोट्स में दर्ज करके उनके जवाब सबक पढ़कर लिखिए। घर के काम के तौर पर पहला सवाल ये है कि गजल का कौन सा शेर आपको पसंद आया और क्यों, लिखिए। तो बच्चों गजल का कौन सा शेर आपको पसंद आया। गजल में छह शेर है, इस शेरों में आपको कौन सा शेर पसंद आया, क्यों, लिखिए। सवाल नंबर दो, हमको दुश्मनों से कैसी बात करनी चाहिए और क्यों। बच्चों हमको दोस्त दुश्मन रहते हैं ना, उन दुश्मनों से हम दोस्ती की बात करना है वो किस तरह करनी चाहिए और क्यों, लिखिए। सवाल नंबर तीन, खिलने वाली कली से क्या मुराद है। बच्चों कली खिलती है ना, इसी वजह से हमको खुशी महसूस होती है, इससे क्या मुराद है, लिखिए कहकर शायर पूछ रहे हैं। सवाल नंबर चार, वसंत की शायरी की इब्तिदा कहाँ से हुई। वसंत यानी शायर कहते हैं उनकी शायरी में इब्तिदा कहाँ से हुई, लिखिए। सवाल नंबर पाँच, शायर कहता है कि हमेशा खुशी की बात करना चाहिए, शायर कौन से एहसासात को उजागर करना चाहते हैं। हमेशा खुशी से रहने से क्या फायदा होता है, वो कौन से एहसास आता है उसके बारे में लिखो लिखो कहकर हमको शायर पूछते हैं। इसी तरह इन पांच सवालों को घर के काम यानी होमवर्क के तौर पर नोट्स में दर्ज करके सबक पढ़कर जवाब लिखिए। तो बच्चों अब हम गजल के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं और गजल में नब्ज़ियात और ज़बान शनाशी भी मालूमात हासिल करके घर के काम भी लिखे हैं। बच्चों अब हम दूसरा नया सबक फ़कीर की नसीहत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों मैं सबक बोलने से पहले आपको चंद सवालात करना चाहती हूँ। तो बच्चे बादशाहों के बारे में आप बहुत कुछ मालूमात हासिल कर चुके होंगे ना, चंद बादशाहों के नाम बताओ। तो बच्चों आपको मालूम है बादशाहों के नाम, अकबर बाबर जहांगीर औरंगजेब वगैरह वगैरह। उसी तरह चंद खेती काम करने वाले को क्या कहते हैं और दूसरे काम करने वालों को क्या कहते हैं। काम करने वालों को, खेती काम करने वाले को किसान कहते हैं, चकले के काम करने वाले को कारपेंटर कहते हैं, पेंट डालने वाले को पेंटर पेंटर कहते हैं। इसी तरह चंद नाम बोलते हैं। उसी तरह इबादतगाहों यानी मस्जिद मंदिर चर्च से होते हैं ना, मंदिरों इबादतगाहों पर भी चंद लोग रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको फकीर या दरवेश कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह आज हम एक फकीर की नसीहत, सबक का नाम फकीर की नसीहत के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। इस फकीर की नसीहत को शेरा डॉक्टर बानू सरताज ने लिखा है।
अब हम सबक में जाने से पहले एक एक छोटी सी रुबाई को पढ़कर उसके सवाल के जवाब देंगे। पढ़िए, सोचिए, बोलिए। हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों गैरों के हाथ आगे फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। फिर एक बार तुलवा। हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों गैरों के आगे हाथ फैलाते हो तुम, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। तो बच्चों अब हम चार मिसरा वाली नज़म को क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। इसी तरह हमको यहाँ पर चार मिसरा वाली नज़म है, इसको रुबाई कहते हैं। इस रुबाई में हमको चंद सवालात दे चुके हैं, मैं सवालात करूँगी, आप जवाब दो। पहला सवाल, मुसब्बब सबब से क्या मुराद है? तो बच्चे मुसब्बब सबब से मुराद क्या है बोलिए। तो बच्चों मुसब्बब सबब का माना ये है कि बहुत आजिज़ी, बहुत इंसारी, यानी दिल लगी से अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह से मांगना है, दूसरों के साथ यानी गैरों के साथ हाथ नहीं फैलाना है। हमको पैदा करने वाला खुदा रब है, उसी खुदा से हम बहुत खुशी से, मन्नत से, आजिज़ी से दुआ करना, मुसब्बब सबब से दुआ मांगना है। दूसरा सवाल, क्या अपनी हाजत की तकमील के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना सही है? तो बच्चों हमारे ज़रूरतों के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैलाना सही है? इसका जवाब आपको अच्छी तरह मालूम है। हम हमारे ज़रूरतों के लिए दूसरों के साथ, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि देने वाला रब है, खुदा है, अल्लाह ताला है। इसलिए हम खुदा से दुआ मांगकर खुदा से हासिल करना है, गैरों के साथ हाथ मत फैलाना चाहिए। हम आजिज़ी से, मन्नत से, दिल से, अल्लाह से यानी खुदा से हर कुछ मांग लेना, देने वाला बहुत बड़ा 70 माहों का मियां वाला अल्लाह है। तीसरा सवाल, इस रुबाई में शायर क्या कहना चाहता है? बच्चों इस रुबाई में शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं कि हम जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, मन्नत से यानी दिल से दुआ मांगना है, बहुत आजिज़ी से, बहुत इरादे से दुआ मांगना है, गैरों के हाथ फैलाना, हाथ मत फैलाना, सब कुछ देने वाला रब है, इसी से आगे मांगना और उसी के सामने सर झुकाना। दूसरों के साथ, दूसरों के सामने हम नहीं सर झुकाना चाहिए, हमारे रब के सामने हम सर झुकाकर दुआ मांगना, यही इसका अहम मकसद है। तो बच्चों अब हम इस सबक के मद्दुआ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मद्दुआ यानी मकसद। अजीज व इंसारी खुदा की बंदगी व फराइज को बहसन व खूबी अंजाम देने के लिए तुलबा में तहरीक पैदा करना इस सबक का अहम मकसद है। यानी तुलबा में बहुत मन्नत या सबब यानी आजिज व इंसारी से, बहुत दिल से, हम इरादे से, चाह से दुआ मांगना, अपने फर्जों को इबादत करना, फर्जों को निभाना, बहुत हुस्न खूबी यानी खूबसूरती से हमारे काम को अदा करना, तुलबा में ऐसी अच्छे अच्छे तहरीक को, अच्छे अच्छे आदतों को पैदा करना ही इस सबक का अहम मकसद है। माखुज, ये ड्रामा बानो सरताज के नसरी मजमुआ से लिया गया है। बच्चों इस फकीर की नसीहत का सबक एक अच्छा ड्रामा है, आप भी इस ड्रामे को
घरों में यानी अपने जमात यानी अपने क्लासों में पेश कर सकते हैं तुम्हारे हम जमातों यानी तुलबा के साथ। इस तरह इस ड्रामा को बहुत अच्छा खूबसूरत ड्रामा है। इस ड्रामा को बानू सरताज ने नसरी मजमुआ के हालत में हमको पेश कर चुके हैं। तो बच्चों अब हम इस फकीर के नसीहत के ड्रामे में पेज नंबर 80/8 निकाल कर देखिए। इसमें इस ड्रामा में किरदार यानी कैरेक्टर्स है बादशाह महमूद गजनी, एक फकीर, वजीर और उमरा। यानी बादशाह है महमूद गजनी, बादशाह है या फकीर है, और विजरा यानी मिनिस्टर्स और दूसरे पंडित वगैरह वहाँ पर बैठ चुके हैं। ड्रामा में पर्दा उड़ता है, दरबार लगा हुआ है, अमीर उमरा वजीर अपनी जगह बैठे हैं, जो चौबेदार बादशाह की आमद का ऐलान करता है। तो बच्चों बादशाह चौबेदार बादशाह ने की ऐलान करता है। चौबेदार शहनशाहों के शहनशाह बादशाह महमूद गजनी तशरीफ ला रहे हैं। यानी शहनशाह के शहनशाह यानी बादशाह आ रहे हैं, इसको बादशाह आने की ऐलान चौबेदार करता है। यानी बादशाह अपने कुर्सी पर बैठने के लिए अंदर हाजिर हो रहे हैं, इसको ऐलान कर रहे हैं। यानी चौबेदार ऐलान करता है। महमूद गजनी शाही तनपंत के तख्त पर तशरीफ फरमाते हैं। दरबार में मौजूद अफराद उन्हें ताजीम देते हैं। यानी महमूद गजनी अंदर आकर अपने तख्त पर हासिल होते हैं, बैठते हैं, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। महमूद गजनी इस तरह अपनी बोलने की बात शुरू कर रहे हैं। महमूद गजनी, आज हम सबसे पहले अपनी रियाया के हाल चाल से वाकिफ हासिल करना पसंद हो करेंगे। तो बादशाह महमूद गजनी कह रहे हैं कि आज हम सबसे पहले यानी मजलिस को शुरुआत करने से पहले हम अपने रियाया यानी पीपल्स उनके के बारे में मालूमात, रियाया के बारे में कैसे है वो, उनका बोलचाल के बारे में, उनके हालतों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कहकर बोलते हैं महमूद गजनी यानी बादशाह। वजीर आजम किस तरह बोलते हैं देखो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आप हमेशा अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं। वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हुजूर यानी बादशाह हुजूर, आपका बुलंद मकाम बहुत बड़े बहुत ऊंचे दर्जे के है बादशाह, तुम हमेशा रियाया यानी पीपल्स का ख्याल करते हैं। महमूद गजनी, हमारी रियाया को कोई खास परेशानी तो दरपेश नहीं है। महमूद गजनी कहते हैं कि हमारी रियाया को कई तो परेशानी है, कोई तो मुश्किलात है, वो कैसे है इस तरह पूछ रहे हैं। वजीर आजम, खास तो क्या, आम परेशानी भी नहीं, आप इंसाफ परवर है, एक मशफक बाप की तरह रियाया की जरूरत का ख्याल रखते हैं। तो वजीर आजम यानी मिनिस्टर्स कहते हैं कि बादशाह सलामत, अपने रियाया को कोई परेशानी नहीं है, खास नहीं और आम नहीं, आप बहुत बड़े इंसाफ पर रह रहे, इंसाफ करने वाले बादशाह है, आपकी हुकूमत में लोगों को यानी रियाया को कोई मुसीबत परेशानी नहीं, वो बहुत खुश है, हम अक्सर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। महमूद गजनी, अल्लाह ताला ने हम पर जो जिम्मेदारी आयद की है उसे पूरे करने की हम कोशिश करते हैं, गाहे गाहे रियाया की खैरगिरी करते हैं और हम उनका मुनासिब ख्याल रखते हैं। तो महमूद गजनी यानी बादशाह कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखा है,
उस जिम्मेदारी यानी रियाया को बहुत खुश रखना, रियाया को हालत अच्छे जानकर उनकी मदद करना, उनको ज़रूरत पूरे करना हमारी अहम मकसद है। इसलिए अल्लाह ताला हम पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारा, उसको ख्याल करना हमारे लिए बहुत अहम मकसद है, बहुत अच्छा काम है कहकर बादशाह वजीरों से यानी मिनिस्टरों से कहते हैं। एक वजीर, उन वजीरों में एक वजीर कहते हैं कि आपकी रियाया खुशहाल है, खाने पीने की अशिया की परवानी है। दूसरा वजीर, मुल्क में अमन व आमान है, रहजनों चोरों डाकुओं का खौफ नहीं है। तीसरा वजीर, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ख्वातिन की इज्जत की जाती है। चौथा वजीर, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे है, सफीरान करम आते रहते हैं। पांचवा वजीर, तिजारत के मौका सबको हासिल है, सनाती तरक्की भी इत्मीनान बख्शी है। तो बच्चों, महमूद गजनी यानी बादशाह कहते हैं कि अल्लाह हम पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाया है, उस जिम्मेदारी को सही सलामत पूरा करना हमारा अहम मकसद कहते हैं। तो वहाँ पर बैठने वाले वजीर हो यानी वहाँ महल में बैठने वाले वजीर बादशाह से कहते हैं, वजीरों में एक पहला वजीर क्या कहता है, रियाया बहुत खुशी है यानी लोग बहुत खुश है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी तरह खुशी से खाना पानी का इंतजाम हो रहा है लोगों को। दूसरा वजीर कहता है, महल में वह अमन व आमान, रहजनों चोरों डाकुओं का खौफ नहीं है। महल में अमन व आमान, बहुत सुखी है लोग, कोई लड़ा झगड़ा नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, चोरों डाकुआ का भी कोई डर नहीं, बहुत सुख से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं कहकर दूसरा वजीर बादशाह सलामत से कहते हैं। तीसरा वजीर क्या कहते हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ख्वातिन की इज्जत की जा रही है। छोटे बच्चे अच्छी तरह तालीम पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, और औरतों की भी बहुत अच्छा इज्जत की जाती है, खातिर तवाजा की जाती है। चौथा वजीर क्या कहते हैं, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं, सफीरान फराम आते रहते हैं। चौथा वजीर ये कहते हैं कि दूसरे मुल्कों से मिलजुल कर रहना, एक मुल्क दूसरा मुल्क से मिलजुल कर रहना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दूसरे मुल्कों से ताजर आते जाते रहते हैं, ये कहकर बादशाह सलामत से बोलते हैं। पांचवा वजीर कहते हैं कि तिजारत के मौका सबको हासिल है, सनाती तरक्की भी इत्मीनान बख्श है, लोगों को अच्छी तरह तिजारत कर लेने की ताकत बहुत अच्छी तरह है, तिजारत करने की अमल अच्छी तरह को भी फायदा हो रही है, और सनाती यानी फैक्ट्रियों का भी इत्मीनान बख्श है, फैक्ट्रियों का चलन भी फायदामंद हो रहा है। इसी तरह पांच वजीर पांच तारीखों में बादशाह सलामत को जवाब दे रहे हैं। तो महमूद गजनी क्या कह रहे हैं देखिए। तो महमूद गजनी बोल रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, मगर हम जानना चाहते हो कि सख्त सर्दी के इस मौसम में रियाया को कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही है। तो रियाया के हालत यानी लोगों के हालत पूछते हैं महमूद गजनी, पूछते हुए कहते हैं कि वजीरों से, अब सर्दी का मौसम है ना, सर्दी का मौसम 3 महीने रहता है, मौसम 3 किस्म के है, बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम यानी गर्मी का मौसम, इन मौसमों में सर्दी का मौसम 3 महीने रहता है, इन सर्दी के मौसम में लोगों को यानी रियाया को कोई आफत या दुश्वारी है, पूछ रहे हैं। जब वजीर आजम बोलते हैं, मौसम सरमा के आगाज में गरीबों को शाही खजाने से
मुफ्त कंबल तकसीम किए गए हैं। तो वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि सरमा में मौसम सरमा में हमें जाड़ा ठंड काले में आगाज शुरुआत में गरीबों को यानी गरीब लोगों पूरे लोगों को मुफ्त कंबल यानी चादर बांट कर दिए तकसीम कर दिए है, इसीलिए उनको कोई आफत या तकलीफ ठंड के वजह से नहीं है। ये अमीर कह रहे हैं कि सर्दी से किसी की हलाकत की खबर मिली है ना किसी के फरियाद की। एक अमीर कहता है कि बादशाह से सर्दी के वजह से किसको कोई परेशानी नहीं, कोई खबर नहीं मिली है, किसके वजह से फरियाद भी नहीं मिली है, इसलिए सब लोग सर्दियों में भी बहुत खुश व आराम से गर्म से रहते हैं। महमूद गजनी कहते हैं कि क्या फकीरों दरवेशों का भी ख्याल रखा है। गजनी मोहम्मद गजनी पूछ रहे हैं कि वहाँ पर रहने वाले वजीरों से फकीरों दरवेशों यानी भीख मांगने वाले फकीरों दरवेशों की क्या हालत है, उनका भी ख्याल किया गया है। दूसरा अमीर, हाँ उनकी भी हाजत रवाई हुई है। दूसरा अमीर कहता है कि उनकी भी अच्छी तरह कंबलों का यानी चादरों के देने की वजह से अच्छे ख्याल रखने की वजह से उनको भी कोई परेशानी नहीं कह कर दूसरा अमीर बादशाह सलामत से बोलता है। तीसरा अमीर क्या कहता है सुनेंगे। हुजूर, दरवेश फकीर की बात पर मुझे याद आया, एक फकीर को मैंने देखा है फटे हालों घूमता है और अजब बात करता है। तीसरा सवाल कहता है कि हुजूर, दरवेश यानी फकीर की बात कहने पर मेरे को एक बात याद आई, एक फकीर को मैंने देखा है वो फटे पुराने कपड़े पहनकर फिरता घूमता है, लेकिन वो अजीब अजीब बातें करने पर मैं सुना है यही वो आदमी का फितरत है कहकर बादशाह सलामत से बोलने पर बादशाह सलामत कहा है। महमूद गजनी क्या कहता है। अमीर हिचकिचाते हुए कहता है, मेरी आधी रात बादशाह की तरह गुजरती है और आधी रात बादशाह की रात से बेहतर गुजरती है। महमूद गजनी कहते हैं कि वो फकीर आदमी क्या कहता है। तो अमीर जवाब देता है कि हिचकिचाते हुए थोड़ा डरते हुए जवाब देता है कि मेरी आधी रात बादशाह की तरह गुजरती है और बचा हुआ आधी रात बादशाह से बेहतर गुजरती है। इस तरह अमीर बादशाह सलाम से जवाब देता है। महमूद गजनी कहते हैं कि दिलचस्पी से वो यही सा क्यों कहता है। बादशाह बहुत दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट से पूछते हैं, वो ऐसा क्यों कहता है वो दरवेश। अमीर, ये तो मुझे नहीं मालूम, हालांकि मैं कई मरतबा उससे पूछना चाहा मगर वो अपने हाल में मस्त रहता है, कभी जवाब देता है कभी जवाब नहीं देता। तो अमीर बोलता है कि क्या यही हालत तो मेरे को नहीं मालूम है बादशाह सलामत, मगर मैं कई मरतबा उस दरवेश से यानी फकीर से पूछना चाहा, क्यों तुम आधी रात बादशाह की तरह बचा हुआ रात बादशाह से बेहतर क्यों कहते हैं, कहकर मैं पूछना चाहा मगर वो जवाब नहीं दिया, कभी कभी उसके बातों में चल जाता है। महमूद गजनी, क्या उसे दरबार में बुलाया जा सकता है। महमूद गजनी यानी बादशाह सलामत कहते हैं कि क्या आप उस दरवेश को यानी फकीर को दरबार में बुला सकते हैं। तो अमीर कहता है, क्यों नहीं, वो बस पहुंचते ही वाला होगा। दरअसल आपने जब रियायत के हालात से वाकिफ होने की ख्वाहिश जाहिर की, उसी वक्त मैंने एक सिपाही को उस फकीर की तलाश में रवाना कर दिया था। अमीर कहता है कि बस वो आते ही होगा वो फकीर। दरअसल मैं आप रियायत की हालत यानी लोगों की हालत पूछ रहे हैं ना, उसी हालत में मैं उस दरवेश को बुलवाने के लिए एक सिपाही को भेजा है, वो
वो रवाना होते ही होंगे। महमूद गजनी, तुम्हें क्यों महसूस हुआ कि इस उसे हमारे हुजूर में पेश हो करना चाहिए? बादशाह सलामत तो पूछते हैं अमीर से, क्यों उस फकीर को मेरे सामने आप पेश करना चाहते हैं? अमीर कहता है, वो खुद को बादशाह से बेहतर ठहराता है इसलिए। बादशाह सलामत, मैं इसलिए आपके सामने उस फकीर को लाना चाहता हूँ कि वो अपनी आधी रात बादशाह की तरह बचा हुआ रात बादशाह से बेहतर कहता है, इसकी रात जानने के लिए मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, कहकर अमीर बादशाह से जवाब देता है। जब महमूद गजनी कहते हैं कि महमूद गजनी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो खुद को बादशाह से बेहतर हरगिज नहीं कहता। जो भी हो, हम उस फकीर से मिलना पसंद करेंगे। ये फकीर दरवेश बड़े पहुंचे हुए होते हैं, हो सकता है उसके हॉल में कोई राज हो जिसका जानना हमारे लिए मुफीद साबित हो। महमूद गजनी कहते हैं कि अमीर से, तुम गलत समझ रहे हो, बादशाह सलामत से बेहतर क्यों कहता है वो फकीर? फिर भी इन फकीरों दरवेशों के बातों कई अलग रहते हैं, कई तारीफ के बातें लोग कर रहे हैं, फिर भी आने दो उस दरवेश से हम बात करेंगे। एक सिपाही फकीर को साथ लेकर दरबार में पेश होता है। सिपाही झलक कर आदाब बजा लाता है, फकीर भी बादशाह को सलाम करता है। इतने में एक सिपाही फकीर को लेकर दरबार में आता है, बादशाह सलामत के हाजिर में पेश करता है, फकीर भी बादशाह को सलाम करते हैं। महमूद गजनी फकीर को देखकर कहते हैं कि चौंकर, ऐसा लगता है हमने तुम्हें कहीं देखा है। बादशाह एकदम चौंककर दरवेश को देखकर कहते हैं, हमने तुमको कहीं देखा है? फकीर कहते हैं, जरूर देखा होगा, मैं आपकी रियाया हूँ। फकीर कहते हैं कि बादशाह सलामत से, बादशाह सलामत, मैं आपका रियाया, मैं आपके बादशाह के लोगों में से एक हूँ, जरूर मुझे आप देखा होंगे। महमूद गजनी, तुम क्या काम करते हो? महमूद गजनी फकीर को पूछते हैं, आप क्या काम करते हो? फकीर कहते हैं कि कोई खास नहीं, कोई भी काम मिले कर लेता हूँ, पेट भरने लायक कुछ मिल जाए तो काफी है, उसके बाद सबर करता हूँ। तो फकीर जवाब देते हैं कि मैं कुछ खास काम नहीं करता हूँ, जो ही काम मिलेगा वो कर लेता हूँ, जो पेट भर का मिलेगा उससे खा के मैं आराम करता हूँ, उसके बाद अल्लाह के इबादत में सबर करता हूँ। तो महमूद गजनी कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? फकीर कहते हैं, कहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं रहता। महमूद गजनी, क्या मतलब, रात को सोते कहाँ हो? तुम कहीं नहीं रहने पर रात को कहाँ सोते हैं? इस बात का महमूद गजनी यानी बादशाह सलामत फकीर से पूछ रहे हैं। तो तुम कहाँ रहते हो, बादशाह सलामत पूछने पर फकीर यही जवाब देते हैं कि फकीर, एक होटल के तनवर के पास सो जाता हूँ। फकीर को जगह ही कितनी चाहिए? तो फकीर जवाब देते हैं कि बादशाह सलामत, मैं एक होटल के पास एक तनवर है, तनवर का मानी राख यानी भूसा, धान का भूसा रहता है ना, उसे चूल्हे में, जमीन में गड़ा खोद कर चूल्हे की तरह तैयार करके उसमें भूसा जलाते हैं, धान का भूसा, इसे तनवर कहते हैं। इस जमीन के चूल्हे को तनवर कहते हैं। होटल के लोगों के चूल्हे को सुबह से शाम तक इस्तेमाल करने की वजह से वो रात भर भी जला हुआ यानी अंगार की वजह से गर्म रहता है। तो फकीर ने इस होटल के तनवर के पास रात के वक्त सो जाते हैं।
तो फकीर कहते हैं कि मैं उस होटल के तनवर के पास सो जाता हूँ। फकीर को कितनी जगह होनी चाहिए? महमूद गजनी, हमें याद आ गया, हमने एक रात तुम्हें तनवर के पास सोता हुआ देखा था, मगर इतनी सख्त सर्दी में तुम खुले आसमान के नीचे कैसे सो लेते हो? महमूद गजनी पूछते हैं कि हमको बहुत याद आ गया। महमूद गजनी फकीर से कहते हैं कि हमको याद आया, रात में तुम उसी तनवर के पास सोते हैं तो मैंने देखा है, सख्त सर्दी में भी तुम उसी हालत में खुले आसमान के नीचे कैसे सो लेते हो इतनी सर्द यानी ठंड के हालत में? कहकर गजनी महमूद गजनी यानी बादशाह सलामत ने फकीर को पूछते हैं। तो फकीर कहते हैं कि बस मैं सो लेता हूँ किसी तरह, आप भी तो रात में भैंस बदल कर गश्त के लिए निकलते हैं, क्या आपको सर्दी लगती है? तो फकीर इस तरह बादशाह सलामत से कहते हैं कि मैं किसी ना किसी तरह सो लेता हूँ बादशाह सलामत, तुम भी रात में गश्त करते हुए लोगों की यानी रियाया की खबरगिरी करते हैं ना, आपको भी सर्दी लगती है क्या? तरह इस तरह पूछते हैं। तो महमूद गजनी यानी बादशाह कहते हैं कि हम सर्दी से हिफाजत के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, रियाया की खबरगिरी करना हमारा फर्ज है। तो महमूद गजनी कहते हैं कि हम सर्दी के लिए गर्म कपड़े यानी बहुत अच्छे अच्छे नरम नरम गरम गरम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, इसलिए हमको सर्दी नहीं होती सर्दी के मौसम में भी। इसी तरह हम रियाया की खबरगिरी यानी उनकी हालत को जानकारी करते हैं। फकीर कहते हैं कि गजनी से तो आप उन गरीबों की खबर क्यों नहीं करते कर लेते जिनके पास सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े नहीं होते? गर्मी और बरसात से बचने के लिए छत नहीं होती, आपने मुझे कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोता देखा था, मगर मेरे लिए कुछ ना किया। तो फकीर महमूद गजनी से पूछ रहे हैं कि यही सवाल कर रहे हैं, तो बादशाह सलामत आपने फकीरों के मदद करते हैं और रियाया की खबरगिरी करते वक्त सर्दी से बचने के लिए लोगों की तुम क्यों मदद नहीं करते? गर्मी और बरसात से बचने के लिए गरीबों की छत की हालत नहीं है, गरीब बहुत मुश्किल और परेशानियां उठा रहे हैं, फिर भी आप मुझे कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे देखे हैं, मगर मेरे लिए कोई मदद नहीं करे है। इस तरह फकीर बादशाह से यानी महमूद गजनी से पूछ रहे हैं। तो महमूद गजनी कहते हैं कि शर्मिंदा होकर वाका हम भूल गए, हमने सोचा था कि तुम्हें दरबार में बुलाकर तुम्हारी हाजत रफा करेंगे। तो बादशाह सलामत को फकीर की इस बात पूछने पर बहुत शर्मिंदा हो गए और वो जवाब इस तरह दिए कि हम भूल गए हैं फकीर, हम आपको इस दरबार में बुलाकर आपकी हालत मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो फकीर कहते हैं कि मैं थोड़े में कनात करता हूँ और हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप दूसरों पर नजर करम कीजिए। तो फकीर बादशाह सलामत से कहते हैं कि मेरी हालत में किसी ना किसी तरह गुजर ले सकता हूँ, आप दूसरे गरीबों की मदद कीजिए, उनकी परवाह कीजिए, कहकर बोलते हैं। तो अमीर कहते हैं मौजू बदलने की गरज से दरमियान में बोल पड़ता है, आलम पना जानना चाहते हैं कि तुम जो अक्सर कहते रहते हो कि मेरी आधी रात बादशाह की तरह गुजरी और आधी रात बादशाह से बेहतर गुजरी, तो इसका राज क्या है? अमीर कहते हैं कि अब इन बातों को काट कर इन बातों को बदला कर दूसरे बात बोलने के लिए अमीर कहता है कि आलमपना जानना चाहते हो कि तुम
यानी बादशाह सलामत आप फकीर के बारे में जानना चाहते हैं कि आधी रात बादशाह की तरह और दूसरी आधी रात बादशाह सलामत से बेहतर गुजरी कहते हैं ना इस दरवेश ने, इस बात का राज आप जानते हैं ना, जानने के लिए पूछ रहे हैं ना, कहकर अमीर बादशाह सलामत से कहा। तो फकीर कहता है कि राज तो कुछ नहीं है, वजाहत किया करो। वैसे आपने मुझे सर्द रात में तनवर के पास सोता हुआ देखा है, तो बात आपकी समझ में आनी चाहिए। फकीर कहता है कि मेरी उस रात की आधी रातों की सोते वक्त की राज तो कोई अलग नहीं है। मैं कहता हूँ कि सर्द रात में मैं तनवर के पास सोता हूँ, तनवर बहुत यानी चूल्हा बहुत गर्म रहता है, आधी रात तक उसी के हालत में मैं गर्म सो जाता हूँ। बात आपकी समझ में आनी चाहिए, दूसरी आपको समझ में आनी चाहिए, कहकर बादशाह सलामत से फकीर कहता है। तो महमूद गजनी कहते हैं कि सोचता है फिर मुस्कुराकर, नहीं हम नहीं समझ सके। महमूद गजनी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इस बात का राज तो नहीं समझ सके, आपकी बोलिए, कहकर फकीर से कह रहे हैं। तो फकीर बादशाह सलामत से कह रहे हैं कि मैं तनवर के पास सो जाता हूँ, आधी रात तक तनवर गर्म रहता है तो मुझे वो मजे की नींद आती है, तो बताइए मैं उस वक्त बादशाह की तरह सोता हूँ या नहीं। मतलब ये कि मैं आधी रात तक बादशाह की तरह आराम की नींद सोता हूँ। तो फकीर कहते हैं कि मैं आधी रात तक तनवर के पास गरम से, तनवर का गरम के वजह से यानी चूल्हा गरम होने की वजह से उस गर्मी में आधी रात तक ठंड के हालत में भी बहुत आराम से यानी बादशाह की तरह गरम से बहुत सुख से सो जाता हूँ। महमूद गजनी, वो क्या बात पैदा की है, हाँ कितनी अच्छी बात बोली है, वाह वाह बहुत खूब बात करा है तुम्हें, बहुत अच्छी तरह बादशाह की तरह सोने की बात, बहुत का मामला अच्छा मामला बोला है। अमीर उमरा भी तहसीन के अल्फाज कहते हैं, अमीर उमरा भी वाह वाह कहते हैं। तो वही अमीर भी फिर कहते हैं कि लेकिन रात का दूसरा हिस्सा बादशाह से बेहतर कैसे होता है। तो बच्चों अब फकीर कहते हैं कि चूल्हे के गर्म के वजह से ठंड के हालत में भी फकीर आराम से आधी रात तक बादशाह की तरह गर्म से सोते हैं, बचा हुआ आधी रात बादशाह से बेहतर कैसे होता है उसका राज बताने को अमीर ने फकीर से पूछ रहे हैं। तो फकीर कहते हैं बात काट कर, बादशाह से बेहतर नहीं, बादशाह के रात से बेहतर। जब फकीर कहते हैं कि मैं बादशाह से बेहतर नहीं कह रहा हूँ, बादशाह की रात यानी सोने की, बादशाह रात में सोने की रात से बेहतर कह रहा हूँ। महमूद गजनी, खूब बहुत खूब, लेकिन मामे को हल तो करो। तुमने बादशाह सलामत कहते हैं कि फकीर से तुम बहुत खूब बोला है, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, वाह वाह, अब इस मामे को इस बात का राज तो हल करिए यानी इसका बात समझाइए। फकीर, जैसा कि मैंने कहा आधी रात तक तनवर गर्म रहता है तो मुझे आराम की नींद आती है, तनवर ठंडा हो जाता है तो सर्दी के बास मेरी आंख खुल जाती है, फिर जब नींद नहीं आती तो मैं वजू करके इबादत में मसरूफ हो जाता हूँ। तो फकीर जवाब देते हैं कि मैं आधी रात तक चूल्हे की गर्मी यानी तनवर की गर्मी से बादशाह की तरह आराम से सो जाता हूँ, आधी रात पार होने के बाद, आधी रात गुजरने के बाद दूसरी आधी रात में तनवर ठंडा हो जाता है यानी चूल्हा ठंडा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, तो मैं उस मेरे को सोते वक्त सर्दी ज़्यादा होती है, इस सर्दी के वजह से मेरे आँख खुल जाते हैं, नींद नहीं आती, ऐसी हालत में मैं उठ के वजू करके अल्लाह की इबादत करता हूँ यानी नमाज पढ़ता हूँ,
इसी तरह बचा हुआ आधी रात गुजरता है कहकर फकीर ने बादशाह और वजीरों को समझाते हैं। तो महमूद गजनी कहते हैं कि गोया इसीलिए तुम कहते हो, ओहो इसीलिए तुम बादशाह के राज से बेहतर कहते हैं, कहकर महमूद गजनी ने कहा। तो फकीर कहते हैं कि जी हाँ आलम फना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी आधी रात बादशाह से बेहतर गुजरती है, क्योंकि आधी रात के बाद आप ख्वाब खरोश के मजे लेते हैं और मैं खुदा के हुजूर में हाजिर रहता हूँ। तो फकीर कहते हैं कि मैं आधी रात आपकी तरह गर्म आराम से सो जाता हूँ, आधी रात के बाद मैं उठकर अल्लाह की इबादत यानी नमाज अदा करते हुए अल्लाह के खिदमत में हाजिर होता हूँ, मगर आप वराटे देते हुए खुशी के साथ खुशी के साथ नींद लेते हैं, सफ़ेद नमूदार सुबह होते तक आराम से सोते हैं, मगर मैं खुदा की इबादत में मसरूफ़ होने की वजह से यानी अल्लाह की इबादत करने की वजह से मेरी रात बादशाह से बेहतर रात होती है, कहकर फकीर ने महमूद गजनी यानी वजीरों को महमूद गजनी बादशाह सलामत को समझाया है। महमूद गजनी खोए खोए से लहजे में बहुत अच्छी बात कही तुमने, चौंक कर मुस्कुराते हुए, तुमने तो दरबार में आकर हमें इनाम से नवाजा दिया है, अब बताओ हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं। खोए खोए नजर से महमूद गजनी फकीर के बोले हुए जवाब को अच्छी तरह ध्यान से सुनते हैं और मुस्कुराते हुए फकीर से कहते हैं, तुम बहुत अच्छी बात कहा है, हमको बहुत अच्छी बात बोलकर हमको इनाम से नवाजा है, इनाम दिए जैसे बात कहे है, हम आपकी कैसी खिदमत कर सकते हैं, हम आपको क्या देख सकते हैं, पूछिए, कहकर महमूद गजनी फकीर को पूछते हैं। फकीर कहते हैं कि मेरी नसीहत को अगर आप इनाम समझते हैं तो यही मेरा इनाम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जवानी की इबादत पर बुढ़ापे की इबादत से अफजल होती है, उसे हमेशा याद रखिए और अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो फकीर कहते हैं कि मेरी नसीहत मैं मेरी बोले हुए बातों की नसीहत आपको इनाम जैसा समझ रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ, यही मेरा इनाम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जवानी में अल्लाह की इबादत करना बुढ़ापे में 70 बार करने से बेहतर है, इसलिए जवानी में अल्लाह की इबादत करना बहुत अफजल है, बहुत अच्छा है, इसलिए हमेशा अल्लाह की याद रखिए, अल्लाह की याद कर लीजिए और अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, कहकर फकीर बादशाह सलामत से पूछते हैं। तो महमूद गजनी कहते हैं कि हम याद रखेंगे, तुम्हारी नसीहत पर अमल करेंगे, खुदा हाफिज, पर्दा गिरता है। तो महमूद गजनी कहते हैं कि ज़रूर हम आपकी यानी फकीर के बातों को याद रखेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, उस पर अमल उस नसीहत को अमल करोगे, खुदा हाफिज, कहकर महमूद गजनी यानी बादशाह सलामत बोलते हैं। इसी तरह इस ड्रामा पूरा होता है, पर्दा गिरता है।